So this is part 3, emission, PT365. Welcome to Mentometer by Kalpana Singh. And आज हम बात करेंगे emission gap report. काफ़ी important report है ये. और जितना भी आप कह सकते हो कि emission है carbon dioxide को लेके और जो भी balance maintain हो रहा है उसको लेके बात करी गई है. So global emission report 2020 was recently released by UNEP, United National Environment Program. और इसकी जो भी रिपोर्ट्स आती हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बिकॉज एनवायरनमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है वर्ल्ड में सारी कंट्रीज़, इंडिया भी काफ़ी सेंसिटिव है. और अगर आप यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, चाहे साइट्स को ले लो, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल ले लो, चाहे कॉप ले लो, तो ये सारे प्रोग्राम्स भी पैरेलली चल रहे हैं. सो अगर हम बात करते हैं ग्लोबल एमिशन रिपोर्ट की, सो द रिपोर्ट इज़ एनुअल, ये एनुअली पब्लिश होती है. एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन हाउस एमिशन आर पार्टिसिपेटेड टू बी 2030 तक कितना भी होगा उसके बारे में बात करी गई है, बिकॉज उसका जो भी वर्स्ट इम्पैक्ट है वो क्या है और उसको लेके जो भी कंसर्न्स हैं उसका पूरा डिटेलिंग है कि हाईलाइट्स हैं इसके. मेनली लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ न्यू और अपडेटेड NCDs, और उसमें अगर आप बात करोगे अनाउंस दैट इज़ अनाउंस्ड प्लेज फॉर 2030 के लिए, जितने भी आप कह सकते हो कि शपथ ली गई है या प्लेज ली गई है कि हमें एक्चुअली में करना क्या है. सो 2030 तक जो है 7.5% का जो इमिशन है ओनली दैट इज़ प्रोजेक्टेड टू रिड्यूस, तो 2030 एमिशन 7.5% तक रिड्यूस करना है, रिजल्टिंग इन वार्मिंग ऑफ 2.7% डिग्री सेल्सियस, 2.7 डिग्री सेल्सियस का जो भी कह सकते हो कि वार्मिंग राइज हो रहा है. सो स्लाइटली लेस देन 3 डिग्री सेंटीग्रेड UNEP फोरकास्ट इन इट्स लास्ट रिपोर्ट, जो कि फोरकास्टिंग की गई थी. एमिशन रिडक्शन नीडेड 30% कट होना चाहिए एंड 2 डिग्री सेल्सियस का इसमें रिडक्शन होना चाहिए एंड 55% कट होगा तो 1.5 डिग्री की लिमिट है अभी तक की. ये करंट नेट ज़ीरो टारगेट है कि आपको जो कुछ कंट्रीज़ हैं कि CO2 का जो एमिशन है वो नेट ज़ीरो कर दें, बट ये डिपेंड करता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं 2030 तक का टारगेट अपने लिए रखा हुआ है, कुछ ने 2050 रखा है, कुछ ने 2040 रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है डिस्कशन चल रहा है. हियर द करंट नेट ज़ीरो टारगेट कुड लिमिट ग्लोबल वार्मिंग अराउंड 2.2 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है अगर नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को करेंगे. एंड द रिडक्शन ऑफ मीथेन एमिशन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल वेस्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर, जैसे कि स्टबल बर्निंग वगैरह की जाती है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है, जितने भी कार वगैरह से आप कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल पेट्रोल और कोयले से के जलाने से जो भी कार्बन एमिशन होता है उसको रिड्यूस कर सके और उसकी वजह से जो भी वार्मिंग है वो कम की जा सके. COVID-19 पैंडेमिक से बात करेंगे, अनप्रेसिडेंट सिचुएशन में 5.4% ड्रॉप हुआ है ग्लोबल फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड में जो कि 2020 में, जो कि एक अच्छी न्यूज़ थी. और हमने खुद ही देखा है कि नदियाँ इतनी साफ़ हो गई थी जब लॉकडाउन लगा और पूरे वर्ल्ड में लोग रह पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रह पाएंगे, लेकिन हमने अपने आप को इतना ज़्यादा आदि बना लिया है इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए, विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली. सो स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इन एमिशन इन एक्सपेक्टिंग इन 2021 में भी किया जा रहा है कि ये हमें सेव किया जाए अपने आप को, अपनी पृथ्वी को, जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस किया जाए. सिमिलरली द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट की बात करते हैं, दैट इज 2021 में द गैदरिंग स्टॉर्म. सो गैदरिंग स्टॉर्म का मतलब हुआ कि जो भी इकट्ठे होकर जो भी चीज़ें हैं या फिर एडवर्स कंडीशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड द गैदरिंग स्टॉर्म के यहाँ पर संज्ञा दी गई है उसको. द रिपोर्ट वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNEP ने ही इसको पब्लिश किया है, तो ये याद रखना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश कर रहा है. तो अगर आप बात करते हैं एमिशन गैप रिपोर्ट भी UNEP कर रहा है और यहाँ पर अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2021 भी UNEP ने ही की है, तो ये हमें याद रखना है. उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिपोर्ट एसेस नेशनल एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑन एडेप्टेशन कवरिंग 3 सेंट्रल एलिमेंट्स ऑफ एडेप्टेशन प्रोसेस, जैसे प्लानिंग, फाइनेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान में रख के ही एडेप्टेशन रिपोर्ट बनाई जाती है कि हम किस
कितनी चीज़ों को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, किसी चीज़ को रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं उसको अच्छे से यूज़ किया जाए, फाइनेंस को यूज़ किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन क्या हम ग्राउंड लेवल पे जो भी स्कीम्स बन रही हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल पे हो रहा है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट उसको अच्छे से आप कह सकते हो कि इन्फोर्स कर रही है अपनी कंट्रीज़ में कि नहीं, तो ये सारी रिपोर्ट के बारे में है। क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन इज इंक्रीजिंगली बींग एम्बेडेड इन पॉलिसी एंड प्लानिंग, इट इज़ जस्ट के अडेप्टेशन जो भी है इंक्रीज, और या सिर्फ प्लानिंग पे ही है या फिर उसके ग्राउंड लेवल पे कितना काम हो रहा है, बिकॉज अराउंड 79% ऑफ द कंट्रीज हैज अडेप्टेड एटलीस्ट वन नेशनल लेवल अडेप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इज इनकी 7%, 2020 से 7% बढ़ा है ये, तो ये शो करता है कि ग्राउंड लेवल पे काम कितना हो रहा है। अडेप्टेशन कॉस्ट की बात करते हैं एंड फाइनेंसिंग नीड्स इज डेवलपिंग कंट्रीज आर 5 to 10 टाइम्स ग्रेटर देन करंट फाइनेंसिंग फ्लो। सो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका फाइनेंस फ्लो और बात करते हैं जो कि यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में है। अडेप्टेशन फाइनेंसिंग गैप इज़ लार्जर देन इंडिकेटेड इन 2020 एंड वाइडनिंग, क्योंकि अडेप्टेशन फाइनेंस कह सकते हो कि जो भी इन्वायरमेंट को लेके हम बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका अडेप्टेशन कॉस्टिंग जो है ज़्यादा है, बिकॉज उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे काम करना है। उसके अलावा आप कह सकते हो कि 2020 में और ज़्यादा ब्रॉड हो रहा है ये, एंड हियर द अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय द COVID-19 रिकवरी स्टिमुलस पैकेज है, ग्रीन रेजिलियंस रिकवरिंग आर नॉट करंटली बींग रियलाइज्ड, क्योंकि COVID-19 की सिचुएशन में भी हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया है कि चीज़ें खुद से रिवाइव हो रही हैं, नदियाँ खुद से साफ हो रही हैं। सो अडेप्टेशन की बात करते हैं, इट इज़ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग कंट्रीज एंड कम्युनिटीज़ वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज बाय इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू एब्जॉर्व इम्पैक्ट एंड रिमेन रेजिलियंस, क्योंकि अडेप्टेशन है कि किसी भी एडवर्स कंडीशन में भी आप अपने आप को किस तरीके से वल्नरेबल क्लाइमेट में भी अपने आप को किस तरीके से उसमें ढाल रहे हो उस एनवायरमेंट में, और उसी पे ही आप एब्जॉर्व भी कर रहे हो। अडेप्टेशन गैप की बात करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेड अडेप्टेशन एंड द सोशल गेट सोसाइटल सेट गोल डिटरमाइंड लार्जली बाय प्रेफरेंसेस रिलेटेड टू टॉलरेटेड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड रिफ्लेक्टिंग रिसोर्सेज लिमिटेशंस एंड कंपीटिंग प्रायोरिटीज, बिकॉज जो एक्चुअल आप कह सकते हो कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है और सोसाइटल जो भी गोल्स हैं उसमें कितना ज़्यादा एक दूसरे में गैप है, उसी को ही अडेप्टेशन गैप कहा गया है, क्योंकि हम सोच कुछ और रहे हैं, वो कुछ और रहा है और ग्राउंड लेवल पे कुछ और है। किस तरीके से अडॉप्ट हम चीज़ें किस तरीके से अडॉप्ट कर पा रहे हैं दैट डिपेंड्स ऑन। अडेप्टेशन कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्लानिंग, जो भी हम किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान करते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर फैसिलिटेटिंग इम्प्लीमेंटिंग अडेप्टेशन मेजर्स जैसे इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, उसके अलावा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे गंगा के लिए गंगा क्लीनिंग करने के लिए करोड़ों रुपए का यूज़ होता है, तो वो भी एक कह सकते हो कि आप इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए ये कॉस्ट यूज़ की जा रही है। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करते हैं यूनाइटेड नेशनल एन्वायरमेंट प्रोग्राम की, तो उसका जेनेसिस दिया हुआ है, सो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश इन 1972 एंड आउटकम फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एन्वायरमेंट स्टॉकहोम कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस 1972 का आउटकम है ये, एंड इट वर्क्स अंडर द एम्ब्रेला ऑफ द यूनाइटेड नेशन 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको याद करने हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो शॉर्ट ट्रिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने बनाई हुई है, प्लेलिस्ट है शॉर्ट ट्रिक की, यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू कैन लर्न ईच एंड एवरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, इट सेट्स द ग्लोबल एनवायरनमेंट एजेंडा, ग्लोबल एनवायरनमेंट एजेंडा को सेट करता है कंट्रीज़ के लिए, और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं दैट इज़ प्रमोट्स द कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट द डायमेंशन ऑफ द सस्टेनेबल डिवेलपमेंट एंड सर्व्स एज द अथॉरिटीज़ एंड एडवोकेट टू द ग्लोबल एनवायरनमेंट। उसके अलावा 193 कंट्रीज़ हैं इसमें, इंडिया इसका मेम्बर है, नैरोबी केनिया में है इसका हेडक्वार्टर,
और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, दैट इज़ चेयर्ड बाई इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यूएनई पे डिपेंड्स ऑन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन बाई 95% ऑफ द ऑफ इट्स इनकम, एंड उसका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं 95% है. एडमिनिस्टर्स ऑन प्रोवाइडेड सेक्रेटेरिएट फंक्शन मैनी मल्टी नेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स एम ई एज एंड अदर एंटिटीज़ हैं. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, सो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज साइट्स की बात करते हैं 1973 में आया, तो ये टाइमलाइन भी याद करना ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कौन से ईयर में आया है, बट उसके अलावा एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा हो तो, बिकॉज वियना कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बासल कन्वेंशन, ये सारी जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है आपने अगर स्टैटिक पोर्शन को कवर किया होगा तो. कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज, जैसे वर्ल्ड में CMS कन्वेंशन 1979 में आया था. उसके बाद थर्ड है वियना कन्वेंशन 1985 में आया था, इसकी क्रोनोलॉजी आपको याद करनी है. सो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए मेनली वियना कन्वेंशन है, तो ये याद रखना है. बासल कन्वेंशन की बात करते हैं तो ये हैजार्डियस वेस्ट के लिए है, दैट इज़ ऑन द कंट्रोल ऑफ द ट्रांस बाउंड्री, और यू कैन से ए मूवमेंट ऑफ द हैजार्डियस वेस्ट एंड डिस्पोजल्स की बात करते हैं 1989 में. कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 में आया था. और रोटेडम कन्वेंशन की बात करते हैं, दैट इज प्रायोरिटी इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर द सर्टेन हैजार्डियस केमिकल्स एंड आप कैसे पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करने के लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड है 1998 में आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 और उसके बाद जो है मीनामाटा कन्वेंशन 2013, दैट इज ऑन मरकरी, उसके लिए है. तो ये जो है ये क्रोनोलॉजी आपको याद करनी है, ट्राई करिए इसको लिखने का. तो एक बार साइट्स 1973, उसके बाद CMS और आप कह सकते हो कि बॉर्न कन्वेंशन 1979, वियना कन्वेंशन 1985 ओजोन लेयर के लिए, बेसल कन्वेंशन है हैजार्डियस वेस्ट के लिए 1989, CBD 1992, रोटरडम कन्वेंशन है 1998, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001, मीनामाटा कन्वेंशन 2013. स्टॉकहोम कन्वेंशन, मीनामाटा और बासल कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं. वियना कन्वेंशन और साइट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. अगर हम मेजर रिपोर्ट्स की बात करते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ट्रिपल इमरजेंसी, कूलिंग इमरजेंसी एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट पब्लिश बाई UNEP इज एसोसिएटेड विद द कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट की बात करते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिपोर्ट्स एंड दीज कन्वेंशंस, और उसके अलावा एडेप्टेशन रिपोर्ट, गैप रिपोर्ट की बात करते हैं और एमिशन रिपोर्ट. सो दीज रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रीन हाउस गैस या बुलेटिन के बारे में बात, आई थिंक छोटे टॉपिक्स हैं, लेट्स कवर हियर ओनली. सो दैट वॉज वाई इट इज़ इन न्यूज़. ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन की बात करते हैं. सो वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन. सो ये याद रखना है कि किसने ये पब्लिश किया या कौन दे रहा है, तो वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल पहले भी दी गई है. पहले हम हाईलाइट्स देखते हैं. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रीच्ड 413.2 पार्ट्स पर मिलियन इन 2020 इन 149% ऑफ द प्री इंडस्ट्रियल लेवल से बात करेंगे. मीथेन्स 262% है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है 123% 1750 से है. अगर लेवल से अगर हम बात करते हैं अभी का जो है, फ्रॉम 1990 टू 2020 में रेडिएटिव फोर्सिंग वार्मिंग इफेक्ट ऑन आवर क्लाइमेट लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैसेज जो है इंक्रीज हुई है 47%, जो कि बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है. बिकॉज अगर ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं
तो सीओटी की जो अकाउंटिंग और आप कह सकते हो कि जो जो लेवल है या फिर जो मिक्सचर है वो इंक्रीज होगा, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी और उसकी वजह से ही जितने भी एडवर्स कंडीशन हैं वो अराइज होंगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, आइस केप्स मेल्ट होंगे, सी लेवल बढ़ेगा, उसकी वजह से जो भी लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगा और जो लाइफ इन वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ये सारा कुछ इम्पैक्ट करेगा। सो 80% का इंक्रीज़ हुआ है CO2 अकाउंटिंग, अबाउट 80% का इंक्रीज़ है। नंबर आर बेस्ड ऑन मॉनिटरिंग बाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच नेटवर्क से इन्होंने जो डेटा लिया होगा वहाँ से पब्लिश किया गया है। अगर हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश बाई रेटिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन इन 1950 एंड इंटीग्रेटेड फ्रॉम द इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन IMO 1873 में है। ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करते हैं इसका, इट इज़ डेडिकेटेड टू द इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर। जो भी अर्थ एटमोसफियर है उसका जो भी बिहेवियर है, जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ओशंस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, लैंड पे जो चेंज है, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, वेदर जो चेंजेस हैं या फिनोमिना जो है वेदर चेंजेस का, इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इंडिया इसका मेंबर है। सो ये आप रीचेक भी कर सकते हो। सो इंडिया इसका मेंबर है। और अगर हम बात करते हैं की इन्फॉर्मेशन की, इट इज़ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के लिए, स्पेशलाइज्ड एजेंसी का काम करती है, जो भी डेटा प्रोवाइड करना होता है वो सारा कुछ प्रोवाइड करती है। अगर ग्लोबल मीथेन असेसमेंट की बात करते हैं, सो ग्लोबल मीथेन असेसमेंट बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ द मिटिगेशन मीथेन एमिशन, क्योंकि मिटिगेशन में क्या है कि एमिशन हो रहा है और उसका यूज़ हो रहा है, तो एनवायरमेंट में उसका जो भी एडवर्स इफेक्ट है उसको कम किया जाए और उसको एक बैलेंस मेंटेन किया जाए, उसके लिए दैट इज़ पब्लिश बाई द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इट इज़ एसोसिएटेड विद द क्लाइमेटिक क्लीन एयर कोलिजन। और जो भी इसके की फाइंडिंग्स हैं उसकी बात करते हैं, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीथेन, क्योंकि अगर मीथेन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट बिकॉज मीथेन इज़ ऑल्सो नॉट सो गुड फॉर आर हेल्थ का। और अगर आप बात करते हैं मीथेन एटमोसफेरिक कंसंट्रेशन हैज़ मोर देन डबल्ड सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम से बात करते हैं, अगर आप 2 डिकेड की बात करोगे, क्योंकि अगर आप बात करते हो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो 90s के टाइम पे आया था और अभी 2022 चल रहा है, सो 2 डिकेड से ज़्यादा हो गए, उससे पहले से जो भी अभी चेंजेस हैं तो डबल हो गया है ये। सेकेंडली अगर बात करते हैं, सेकेंड ओनली द कार्बन डाइऑक्साइड ड्राइविंग क्लाइमेट चेंजेस, कार्बन डाइऑक्साइड भी ड्राइव कर रहा है मीथेन इन द एटमॉस्फेरिक रिसर्च रिकॉर्ड लेवल लास्ट ईयर, दैट इज थ्रू CO2 लेवल ड्रॉप ड्यूरिंग द पैंडेमिक, क्योंकि हम सब लोग घर पे बैठे थे, व्हीकल नहीं चला रहे थे और जितने भी एक्स्ट्रा यूज़ थे वो कम कर रहे थे, उसी की वजह से आप कह सकते हो कि CO2 का जो एमिशन है वो रिड्यूस हुआ था। और जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन पाई गई हैं उसमें गंगा के जो रीजन में और मेनली वेस्ट बंगाल रीजन में, तो ये बहुत अच्छा साइन था। उसके अलावा ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं ओडिशा में घर माता बीच में, तो ये सारी एक अच्छा साइन था और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा ईयर रहा है 2020। सो सिमिलरली होप की गई थी 2021 तो वो भी ठीक ठाक रहा। सो 2022 में सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, लेट्स सी कि अब क्या चीज़ें होंगी। हियर रिड्यूसिंग एंथ्रोपोजेनिक जितने भी मैन मेड रीजन्स हैं एमिशन के लिए, रिडक्शन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एमिशन 40% वुड प्रिवेंट राइज इन द ग्लोबल वार्मिंग, जो कि 0.3 डिग्री सेल्सियस 2045 में है वो प्रिवेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन है या फिर मैन मेड रीजन्स हैं उसको हम कंट्रोल किया जा सकता है बहुत ईजीली। उसके अलावा वेरिंग मिटिगेशन पोटेंशियल, मिटिगेशन पोटेंशियल वेरीज बिटवीन कंट्रीज एंड रीजन, क्योंकि हर रीजन में और हर कंट्री में अलग अलग है ये, तो उसको मिटिगेट किया जा सकता है। चाइना मिटिगेशन पोटेंशियल वॉज बेस्ट इन कोल प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे बैड क्वालिटी कोल पाया जाता है, पीट जिसे कहते हैं, तो उसके उसको फ्यूल के बर्निंग से सिर्फ हम उसका जो यूज़ है वो काफ़ी कम कर पाते हैं।
अगर हम दूसरी कंट्रीज में बात करें, जैसे चाइना बोल रहा है तो कोल प्रोडक्शन में काफ़ी आगे है, और उसके जो भी लाइव स्टॉक की बात करते हैं या वेस्ट सेक्टर की बात करते हैं, वो काफ़ी अच्छे से रिसाइकल भी कर रहा है। ऑल्दो जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है वहाँ की, बट स्टिल दे आर एक्चुअली इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, और काफ़ी जो वर्ल्ड में बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट भी करता है। सिमिलरली फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री हैड द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल, द लो कॉस्ट मीथेन कट्स किया जा सकता है। ग्लोबल मीथेन अमाउंट 1984 से 2019 में जो भी है कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, और 1900 तक का है ग्लोबल मीन अमाउंट PPB, तो दैट इज पार्ट्स पर बिलियन। 1900 इज सच अ ह्यूज अमाउंट। बिहेवियर चेंजेस मेजर्स टू प्रिवेंट एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर, जैसे रिड्यूसिंग फूड वेस्ट और लॉसेस की बात करें, उसके बाद लाइव स्टॉक मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। एडेप्टेशन ऑफ हेल्दी डाइट, वेजिटेरियनिज्म को बढ़ावा दिया जाए, लोअर मीट एंड डेयरी कंटेंट, जिससे कि हेल्थ अच्छे से मेंटेन की जा सके। अदर मेजर जो है इम्प्रूव ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट, उसके अलावा ट्रांजिशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, आप सोलर एनर्जी का हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो फॉसिल फ्यूल है उसको हम कम रिड्यूस आई मीन यूज़ कर सकें, क्योंकि अगर जैसे फॉसिल फ्यूल में कोल भी आता है, लाइट बनाने के लिए कोयले का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी रिसेंटली क्राइसिस चल रहा है जिसकी वजह से इंडियन रेलवे ने 42 ट्रेन्स को, अभी आज की ही न्यूज़ है, तो 42 ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ के कोयला का जो डिलीवरी है वो फास्ट करनी है। तो उसकी वजह से आप देखिए ना कि कितना ज़्यादा लाइवलीहुड पर हमारे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इफ़ वी आर केपेबल है ना, वी कैन यूज़ सोलर एनर्जी फॉर आर यूज़, और हम उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को भी रोक सकते हैं पर्सनली, अगर हम ये इनिशिएटिव अपने आप से लेते हैं तो। ग्लोबल टैक्स ऑन मीथेन एमिशन लगाने से भी चीज़ें होंगी, अगर ये मेजर लिए जाएंगे देन वी विल कंट्रीब्यूट टू सेव आर अर्थ, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ और पॉइंट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव और मीथेन के बारे में, और बाकी अदर अबाउट लाइफ क्लाइमेटिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में। सो टिल देन स्टडी हार्ड, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, आप हेल्प नहीं करोगे, दैट विल बी लाइक डीमोटिवेटिंग थिंग फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज इतनी गर्मी में अगर इफ़ आई एम टेकिंग दिस इनिशिएटिव, सो आई एम जस्ट लाइक आस्किंग दिस फॉर द सेक ऑफ द क्रेडिबिलिटी ओनली, नथिंग मोर देन दैट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।